नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफी का हमारे पार्ट नंबर थर्ड है, जिसमें हम यूनिट नंबर वन को यहाँ पर कवर कर रहे थे। यूनिट नंबर वन में हमने दो क्वेश्चन देखे थे लॉन्ग, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिलने वाला है। दोनों क्वेश्चन आपको कवर करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा, या दोनों भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जो आज जो अपना रहने वाला है वो हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। आज से हम क्या देखेंगे, यूनिट नंबर वन के शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो अपना हो जाता है, आपके सामने यहां पर देखा है कि सौर मंडल पर संक्षिप्त प्रकाश डालिएगा। सौर मंडल पर प्रकाश डालने के लिए भी कह सकता है, और सौर मंडल पर आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए कह सकता है, और सौर मंडल पर आपको व्याख्या भी करने के लिए वह कह सकता है। तीन प्रकार से क्वेश्चन यह बन सकता है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन तो नहीं लिखना है, आपको पता है, तो हम क्या डालेंगे, खंड खा के क्वेश्चन नंबर वन का उत्तर, ठीक है। और दोनों दो लाइन से उन्हें क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो बात करते हैं, उसके बाद हम डालेंगे उत्तर, ठीक है। उत्तर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सौर मंडल की हेडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी, यहां पर पड़ेगी सौर मंडल। क्या पड़ेगी भाई, सौर मंडल हमारी हेडिंग पड़ गई, उसके बाद हमने अंडरलाइन से कर दिया, ठीक है। ये हमारी हेडिंग पड़ गई सौर मंडल। क्यों पड़ी, क्यों डाली हमने हेडिंग, हेडिंग डाली सौर मंडल क्योंकि हम सौर मंडल के बारे में बेसिक जानकारी पहले देंगे, ओके। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। हेडिंग नहीं भी दे रखी है फिर भी हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, ठीक है। क्या हमने डाल दी, सौर मंडल। अब उसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी रखेंगे, सौर मंडल कहते किसे। तो बात करते हैं, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड विशाल तारों, सौर मंडल और निहारिका नक्षत्रों और ग्रहों तथा उपग्रहों उल्का पिंडों पुच्छल तारे आकाश गंगाओं का संयुक्त रूप होता है, कौन, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड, ठीक है। अंतरिक्ष या ब्रह्मांड क्या होता है, तारों सौरमंडल निहारिकाओं नक्षत्रों ग्रहों तथा उपग्रहों और उल्का पिंडों पुच्छल तारे आकाश गंगाओं का संयुक्त रूप होता है, ठीक है। इन्हीं के बारे में आगे देखेंगे बारी बारी। बात करते हैं, जिसमें से हमारा सौर परिवार, जिसमें से हमारा जो सौर परिवार है, जो सौर मंडल है, वो क्या है, एक छोटा सा भाग है। किसका, मतलब अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का। सौर परिवार क्या है, एक छोटा सा भाग है। तो बात करते हैं, इस प्रकार सौर मंडल ब्रह्मांड का एक सदस्य हो जाता है। इस प्रकार से सौर मंडल है वो ब्रह्मांड का क्या है, एक सदस्य हो जाता है। बात करते हैं, सौर मंडल एक सूर्य तथा उसके परिवार से मिलकर बनता है। एक जो सौर मंडल है वो किससे मिलकर बना होता है, सूर्य तथा उसके परिवार से, मतलब सूर्य से जो उत्पन्न हुए ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, सौर परिवार बनता है, मिलकर बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं, एक सौर परिवार में एक सूर्य, बहुत सारे ग्रह, एक सूर्य हो गया, उससे उत्पन्न बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, अवांतर, उल्काएं, पुच्छल तारे सम्मिलित होते हैं, जो किससे निर्मित हैं, सूर्य से निर्मित हैं, इसीलिए इन्हें सौर परिवार कहा जाता है। सौर परिवार क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, उल्का पिंड हैं, ये किससे निर्मित हैं, एक सूर्य से ही निर्मित हैं, इसीलिए इसे सौर परिवार कहा जाता है, ठीक है। ये हमने इसके बारे में बेसिक देख लिया। अब हम क्या डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैन कौन है, सूर्य, क्योंकि सूर्य से क्या हो रहे हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारे प्रकट हो रहे हैं, मतलब उत्पन्न हो जाए, है ना, इन्हीं से इनकी क्या हुई है, एक उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सूर्य, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सूर्य डाले, क्योंकि सौर मंडल की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग क्या डाली, हमने हेडिंग डाल दी वन, कौन सी, सूर्य। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। बात करते हैं, अग्नि तथा गैसों का विशाल पिंड है, जो सूर्य है वो कैसा है, अग्नि तथा गैसों का एक विशाल पिंड है, हाइड्रोजन और हीलियम का। बात करते हैं, जिसको तारा कहते हैं, सूर्य क्या है, एक तारा है। बात करते हैं, जो स्वयं अपने प्रकाश से चमकता है, क्यों चमकता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम इसके अंदर है। बात करते हैं, इसकी सतह 6000 तथा केंद्र में कितना, केंद्र में इसकी सतह की बात करते हैं तो 6000 तथा इसके केंद्र में 165,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। इसमें तापमान कितना मिलता है, इसके केंद्र मिलता है कितना, इसकी सतह की बात करते हैं तो 6000 डिग्री
6000 लाख डिग्री तथा इसके केंद्र की बात करते हैं तो 165 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलता है। बात करते हैं सूर्य अपने अक्ष पर 25 दिन तथा 5 घंटे कितने 25 दिन तथा 5 घंटे में एक चक्कर काट लेता है। इंपोर्टेंट है आप चलो ये याद मत करो, सतह पर याद मत करो, केंद्र की मतलब सतह का याद कर लो, केंद्र का याद मत करो, एक तो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको कितने दिन में सूर्य चक्कर लगाता है वो भी याद होना चाहिए। तो 25 दिन तथा 5 घंटे में वह एक चक्कर काटता है तथा सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य के व्यास की बात करते हैं तो 1393,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है 1393,000 किलोमीटर। यह पृथ्वी से कितना दूर है तो पृथ्वी से 14.89 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। चलो ये याद मत करो कि कितनी दूर है, मगर ये किस बनेगा एमसीक्यू बन सकता है। तो आप ये या तो याद कर सकते हो कि जो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है, थ्योरी में तो इतना लिख ही सकते हो ठीक है, मगर एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइएगा सतह पे इसका तापमान कितना होता है 6000 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, केंद्र में कितना होता है तो 165 लाख सेंटीग्रेड। और बात करते हैं जो सूर्य के अक्ष कर मतलब कितने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है तो 25 दिन 5 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, सॉरी वहीं पर अक्ष पे घूमता है ठीक है। और इसका जो कह सकते हैं व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है तो 1393,000 किलोमीटर, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है। थ्योरी में तो आप एक दो छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात करते हैं हेडिंग होगी अब सेकंड हेडिंग क्या आ जाएगी, सूर्य क्या हो गया सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन होगा फिर ग्रह। तो कौन सी हेडिंग पड़ेगी हमारी ग्रह ठीक है, तो ग्रह मतलब प्लेनेट्स। तो बात करते हैं यहां पर सौर मंडल में सूर्य के पश्चात ग्रहों की स्थिति मानी जाती है, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या है ग्रह है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मानी जाती है। सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं, सौर मंडल में कितने हैं 9, मगर तो अमेरिका वाले उन्होंने 10वें ग्रह की खोज कर रखी है मगर वो सम्मिलित नहीं गया, मतलब मान्यता उसे नहीं मिली है। तो अभी कितने हैं कुल 9 ग्रह हैं, परंतु अमेरिका वैज्ञानिक द्वारा 10वें ग्रह की खोज की जा चुकी है, 10वें ग्रह की खोज की जा चुकी है परंतु अभी उसको मान्यता मिलना शेष है, मतलब मान्यता भी नहीं मिली है। इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ये सभी ग्रह प्राय गोलाकार हैं। ये सभी ग्रह कैसे हैं गोलाकार हैं, आपको पता है गोलाकार ही ग्रह हैं ठीक है। ये सभी ग्रह अपनी अपनी परिधियों पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य तो खुद घूमता है 25 दिन 5 घंटे में, मगर जो और ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा करेंगे अपने बुजुर्ग की, मतलब इससे उत्पन्न हुए हैं किसकी सूर्य की। तो बात करते हैं सभी ग्रह एक दूसरे की आकर्षण शक्ति से खिंचे रहते हैं, सभी जो ग्रह हैं एक दूसरे की आकर्षण शक्ति से क्या होते हैं खिंचे रहते हैं और अपनी स्थिति बनाए रखते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं। बात करते हैं बुध सूर्य के समीप स्थित है और कुबेर क्या है सबसे दूर है, क्योंकि कुबेर कौन सा है नवा ग्रह हो जाता है। फिर देखा है सूर्य से इन ग्रहों का क्रम इस प्रकार होता है, तो क्रम भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में ठीक है ना। तो बात करते हैं क्रम कौन सा हो जाता है, तो हो जाता है सूर्य से इन ग्रहों का क्रम इस प्रकार से हो जाता है, सबसे पहले निकट कौन सा है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आ जाएगी अपनी पृथ्वी, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद होगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण हो जाएंगे और बाद में कुबेर हो जाएगा ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, अब हमने सूर्य देख लिया, सेकेंड नंबर के ग्रह देख लिए, तो अब कौन आएगा, अब आप कहोगे थर्ड नंबर का जो हो जाएगा व्यक्ति वो हो जाएगा अपना उपग्रह, व्यक्ति कह सकते कुछ भी कह सकते हो ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा भाई उपग्रह आने वाले हैं, क्योंकि ग्रह से छोटे कौन होंगे उपग्रह, तो उपग्रह के बारे में देखेंगे। उपग्रह हमने हेडिंग डाल दी थर्ड वाली, देखा है ग्रहों के आंतरिक सौर परिवार में उपग्रह भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह किसकी करते हैं ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। बात करते हैं जिनकी उत्पत्ति ग्रहों से हुई है, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है ग्रहों से हुई है। फिर देखा है सभी उपग्रह अपने अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और जो सौर दे रखा है सौर परिवार में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं बृहस्पति के हो जाते हैं, इनकी संख्या 12 है, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है 12 है। फिर देखा है इसके पश्चात शनि 9, शनि के उपग्रह कितने हैं 9 तथा अरुण के हो जाते हैं अपने 5, वरुण तथा मंगल के हो जाते हैं 2-2, और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है
चंद्रमा हो जाता है। तो आपके उपग्रह याद होना चाहिए कि सौर परिवार में जो बृहस्पति है उसके सबसे ज़्यादा ग्रह होते हैं, 12 होते हैं, इनके पश्चात शनि के 9 हो जाते हैं, उसके बाद करते हैं अरुण के जो होते हैं 5 और वरुण मंगल के हो जाते हैं 2-2, और जो होते हैं अपनी पृथ्वी, पृथ्वी का एक ही उपग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। बुध शुक्र और कुबेर जो होते हैं वो ग्रहहीन होते हैं, मतलब उनका ग्रह नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम में बन सकता है कि बताइएगा इनमें से, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किसके उपग्रह नहीं है, नहीं होते, तो बुध शुक्र और कुबेर, ठीक है। और किसके कितने होते हैं ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं यहां पर ये दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी याद होना चाहिए। तो ये सूर्य है ना, ये कौन है सूर्य, जो कितने दिन में 25.5 हॉर्स है ना, 25 दिन 5 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। बुध फर्स्ट नंबर पे है, एक उपग्रह है इसका, शुक्र सॉरी बुध का उपग्रह नहीं है, ये सिर्फ सीरीज दे रखी है, सॉरी यहां पर शिकायत दे रखी है, सिर्फ सीरीज दे रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे सूरज आएगा सूर्य, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा भाई, उसके बाद बुध, बुध फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे शुक्र होगा, फिर फिर होगा अपनी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण और कुबेर, ठीक है। तो 9 के 9 ग्रह देखें आपको सीरीज भाई याद होना चाहिए। बात करते हैं बृहस्पति के कितने होते हैं उपग्रह, 12 होते हैं ना, बृहस्पति के 12 दे रखे हैं, और अपने शनि के कितने होते हैं 9, शनि के कितने होते हैं 9, अरुण के कितने होते हैं 5, अरुण के कितने होते हैं 5, वरुण के कितने होते हैं भाई, वरुण के 2 होते हैं, और अपना मंगल के है ना, मंगल या शुक्र, सॉरी रुकिएगा, वरुण होगा और मंगल, वरुण मंगल, सॉरी वरुण मंगल कितने होते हैं, इनके 2-2 होते हैं, है ना। और बात करते हैं पृथ्वी का एक होता है, शुक्र का तो होता ही नहीं है, शुक्र और बुध और अपना जो होता है कुबेर वो कैसा होता है, नील होता है, मतलब इनमें एक भी उपग्रह नहीं होता है। तो उपग्रह भी आपको याद हो गए। तो हमने 3 चीजें देख ली, सूर्य देख लिया, उसके बाद ग्रह देख लिए, अब उपग्रह देख लिए, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा शुद्ध ग्रह, उससे छोटे कौन आएंगे, फिर उससे छोटे आएंगे अपने शुद्ध ग्रह। अब शुद्ध ग्रह के बारे में डालेंगे हेडिंग, 4 नंबर पे डाली हमने शुद्ध ग्रह हेडिंग, ठीक है, इसको देखते हैं। सौर मंडल में मंगल व बृहस्पति के बीच काफी दूर तक रिक्त स्थान है, सौर मंडल जो है उसमें जो मंगल है, जो अपना कहां गया मंगल, ये है मंगल, जो मंगल है और बृहस्पति के बीच में यहां पर क्या है, बहुत सारा स्थान है, बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, मतलब बहुत रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में अनेक छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, इस रिक्त स्थान में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें बहुत छोटे छोटे क्या हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जिनका व्यास कुछ 100 किलोमीटर तक सीमित है, मतलब इनका व्यास जो है वो कितना है, कुछ 100 किलोमीटर ही तक निश्चित होता है। और बात करते हैं इन क्षुद्र ग्रहों का निर्माण संभवता किससे होता है, किसी तारे या फिर ग्रह के किससे होगा, विखंडन से तथा पदार्थ के बिखरने से होता है या माना जाता है, मतलब जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो हमारा ग्रह होता है, उपग्रह होते हैं, इनके घर्षण या फिर कह सकते हैं पदार्थ के बिखरने से, इनके पदार्थ के बिखरने से इनका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने क्या चीज देख ली है, 4 चीजें देख ली, सूर्य देख लिया, ग्रह देख लिए, उपग्रह देख लिए, क्षुद्र ग्रह देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा हो जाता है लास्ट, जो क्या रहने वाला होगा, जो अपना हो जाएगा पुच्छल तारे एवं उल्काएं, पुच्छल तारे एवं उल्का पिंड। अब इनके बारे में देख लेते हैं यह क्या होते हैं, तो पुच्छल तथा उल्का पिंड हेडिंग हमने डाल दी, हेडिंग डाल दी, अब हम आगे देखेंगे। बात करते हैं अंतरिक्ष में अनेक छोटे छोटे पुच्छ तारे, पुच्छ वाले तारे भ्रमण करते हैं, जो अंतरिक्ष है उनमें छोटे छोटे पुच्छ वाले क्या होते हैं, तारे भ्रमण करते हैं, ये तारे निश्चित अवधि में ही देखे जाते हैं, ये जो तारे होते हैं वो एक निश्चित अवधि में ही देखे जाते हैं, अतः सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं उल्का पिंड और पुच्छल तारे हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं हेली पुच्छल तारा, जो हेली पुच्छल तारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है जो मुख्यतः कौन सा तारा होता है, ठीक है, मुख्य पुच्छल तारा कौन सा है, तो हेली, ये एमसीक्यू में सकता है। बात करते हैं अपने सौर परिवार का सबसे प्रमुख पुच्छल तारा होता है कौन सा, हेली। उसके बाद करते हैं आकाश में अनेक खगोलीय कण व छोटे
पिंड हैं, आकाश में कैसे हैं अनेक खगोलीय कण तथा छोटे पिंड हैं जो ग्रहों के वायुमंडल में रगड़ खाकर, जो ग्रहों के वायुमंडल में रगड़ खाकर जलते दिखते हैं। कैसे दिखते हैं उल्का पिंड? जलते हुए दिखते हैं, जो कभी कभी आपने देखे होंगे, तथा उल्का के रूप में माने जाते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरते हैं। जो पृथ्वी पर जो पिंड गिरते हैं छोटे छोटे, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा यहां पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो हमने सारे के सारे देख लिए। कौन कौन से देखे? पांच यहां पर आएंगे सौर मंडल के अनुसार। तो सबसे पहले सूर्य आएगा, उसके बाद ग्रह, उसके बाद उपग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद आपके आ जाएंगे क्या, ये देखिएगा, उच्छल तारे था उल्का पिंड। ठीक है, तो पांच हेडिंग आपको डालनी है इसमें, और पांचों हेडिंग की आपके पास थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी आप समझ ही गए होंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, कहां पर क्या होता है, तो आपको सबकी सब सारा की सारा थ्योरी समझ में आ गया। तो बिल्कुल अब मेरा मानना है कि आप यह क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। ठीक है, बस आपको क्या याद करने पड़ेंगे, सीरीज बाई ग्रह याद करना पड़ेगा, कितने उपग्रह हैं बस। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो क्या कर देना है, लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यहीं पर मिलने वाली है और इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को तोड़फोड़ कर देना। ठीक है, बेल आइकन की तोड़फोड़ कर देना है जो कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।